नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का जोर रहा है, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन सूरजभान हो या फिर अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर आनंद सिंह। ऐसे ही बिहार के एक बाहुबली नेता पूर्व एमपी हैं आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिहार बाहुबली नेताओं की जब भी बात की जाती है तो आनंद मोहन का भी नाम आता है। वही आनंद मोहन जो 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी थे, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और अब रिहाई भी हो गई है। आनंद मोहन इन दिनों बिहार के राजनीति में सबसे चर्चित नाम है, जिनकी चर्चा कुछ महीनों से खूब हो रही है। सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, उनके घर में हो रही बेटी और बेटियों की शादी भी बिहार में इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आनंद मोहन पर खुलकर प्यार लुटा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है आनंद मोहन जिन पे बिहार सरकार इतना मेहरबान। सबसे पहले आपको बता दें कि कोसी क्षेत्र के कदावर और बिहार की राजनीति में अपनी कदम रखने वाले आनंद मोहन का स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म हुआ। परिवार के कई लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आनंद मोहन ने भी आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 साल जेल में भी रहना पड़ा था और 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़के एमएलए बने। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री की अगर हम बात करें तो उनकी एंट्री 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान हुई थी। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भाषण जब दे रहे थे, उस दौरान उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए, काले झंडे दिखा करके चर्चा में आ गए। जिसके बाद आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिसके बाद उनका नाम भी अपराधियों के लिस्ट में जुड़ गया। इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की सजा हो गई। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ा, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें उनको जीत भी मिल गई। लेकिन उस दौरान वो बिहार के एक सांप्रदायिक गिरोह को लीड कर रहे थे, जिसे प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। विधायक रहते हुए उनकी बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गैंग से किसी बात को लेकर के ठन गई। इस दौरान कोसी में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। माना जा रहा था कि किसी भी समय ये तनातनी बड़ी लड़ाई में भी बदल सकती है। खैर, आनंद मोहन वो नेता रहे जिनके जेल में होते हुए भी रसूख उनका बरकरार रहा। 1986 में लोकसभा के आम चुनाव में आनंद मोहन लोकसभा के शिवहर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए। वो चुनाव आनंद ने जेल में रहते हुए लड़ा था। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन फिर इसी सीट से विजय हुए, लेकिन 1999 के आम चुनाव में बीजेपी के समर्थन के बावजूद वो जीत नहीं सके और राजद उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। आनंद मोहन ने जब से राजनीति में कदम रखा उसके बाद से उन पर कई मामले दर्ज किए गए, कई बार सलाखों के पीछे भी गए। लेकिन साल 1994 में एक मामला ऐसा आ गया जिससे बिहार के साथ साथ पूरे राज्य में भूचाल मच गया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट पीट कर और गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। उस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद के साथ साथ 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई, हालांकि साल 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन अब ये उम्र कैद भी खत्म हो चुकी है और नीतीश सरकार में आनंद मोहन रिहा हो चुके हैं और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनकी रिहाई को 2024 लोकसभा चुनाव से अब जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश सरकार की उनपे मेहरबानी बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या सुशासन बाबू फिर एक बाहुबली से हाथ मिलाएंगे। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।